मोटरवे के जरिए लाहौर पहुंचने और जोहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मामला। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पुलिस ने काले शीशे वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया। मोटरवे M3 पर काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। सर्विस एरिया में गाड़ियों के स्टिकर्स उतारे जाने लगे। पुलिस के मुताबिक काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जोहर टाउन धमाके के जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी। 8 जख्मियों में से 2 की हालत तश्वीशनाक। पुलिस एहलकार का ICU में इलाज मुआवजा जारी। डिप्टी कमिश्नर की जिना अस्पताल में जख्मी अफराद की इयादत। जख्मियों में 1-1 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। महंगाई का राज, ब्रॉयलर की फिर ट्रिपल सेंचुरी। ब्रॉयलर एक ही रोज 13 रुपए फी किलो मजीद महंगा। कीमत 306 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का ब्रॉयलर की कीमत में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार। बीफ और मटन भी सरकारी रेट से महंगे फरोख्त। सब्जियों के भी रेट डूबने। नया आलू 75 से 80 रुपए फी किलो, प्याज 40 रुपए, टमाटर 60 रुपए और अदरक 450 रुपए फी किलो फरोख्त। लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जान बहक। शहर में 24 घंटों के दौरान 65 केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। 141 मरीजों में वायरस की तस्दीक। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी। अस्पतालों में 78% वेंटिलेटर्स मरीजों से खाली। 87% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद नहीं। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 202 मरीज जेरे इलाज हैं। कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर लॉकडाउन के दौरान 6651 मुकदमा दर्ज किए गए। ₹560 अरब के तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग यूनिट बनाएंगे। तारीख साज तरक्याती प्रोग्राम की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग करूंगा। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत और आला मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। तरक्याती प्रोग्राम के फवायद अवाम तक पहुंचाना महकमों की जिम्मेदारी है। वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। चलिंटन मार्केट के मसाइल के हल के लिए कमेटियां कायम। कमिश्नर लाहौर कैप्टन एटाइट मोहम्मद उस्मान की ज़ेरे सदारत इजलास। तमाम जानवरों और परिंदों की तफसीलात जमा की जाएंगी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि मार्केट में तमाम जानवरों की खरीदो फरोख्त कानून के मुताबिक होगी। छुट्टी के रोज पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुजरपुरा पुलिस ने 15 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए। दर्जनों पतंगे और धाती डोर बरामद। वादत कलोनी पुलिस की कार्रवाई। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिलें, असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। डॉल्फिन स्क्वाड और PRU की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस 90 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 कारें, 59 मोटरसाइकिलें, 17 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। तैयारों की कमी और रूस की बंदिश आड़े आ गई। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 18 प्रवासें मनसूख। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे इंतजामिया के दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार। के रोज मनपसंद नाश्ते पर जोर। फूड स्ट्रीट में शहरियों का रश। गर्मा गर्म नान चने, हलवा पूरी, सीरी पाई, हलीम और मीठी लस्सी से लुत्फानंदोज होने लगे खरीदार और दुकानदार। कोरोना SOP से आरी दिखाई दिए। फैमिलीज के साथ बाहर नाश्ता करने का अपना मजा है। शहरी
शहर में छुट्टी के रोज मंचलों ने क्रिकेट के मैदान संभाल लिए। जहां जगह मिली वहां ही क्रिकेट खेली। बच्चे बड़े सभी क्रिकेट खेलने में मगन रहे। क्रिकेट दीवाने चौके छक्के लगाकर दिल की तस्कीन का सामान करते रहे। हॉकी वर्दी, हाथों में डंडे, ऊंचे शिमले वाली पगड़ियां, अंग्रेज दौर के कोतवाल और हरकारे अंदरून शहर गश्त करने लगे। अंग्रेज दौर में कोतवाली निज़ाम को इस्तेमाल निज़ाम की हिफाजत के अहम तरीन मौरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।